तीनों ग्रंथों को, ये जो ग्रंथ है पहले मैं बता रहा था, एक दिन प्रभुपाद ने अपना शिष्यों से प्रश्न करते हैं, बोले जगत में ऐसे कौन सा ग्रंथ है जो एक ग्रंथ जगत में विद्यमान हो, पृथ्वी का सारे ग्रंथ का अभाव पूर्ण करेगा। प्रभुपाद इसलिए अपने शिष्यों को प्रश्न किए, किसने वेद, किसने उपनिषद, किसने भगवत गीता, किसने श्रीमद् भागवत, अलग अलग बताए। लेकिन प्रभुपाद ने मुझे कहा नहीं, अगर जगत में अगर केवल दो ग्रंथ अगर जगत में हो, पृथ्वी का सारे ग्रंथ का अभाव ये दो ग्रंथ पूरी करेगा। बोले कौन सा ग्रंथ है? बोले श्रीमद् भागवत और उसकी चैतन्य चैतन्य। लेकिन इन्हीं ग्रंथों में कहते केवल एक ग्रंथ है ये चैतन्य चैतन्यमृत, अगर ये एक ग्रंथ ही जगत में विद्यमान हो, पृथ्वी का सारे ग्रंथ का अभाव ये एक ग्रंथ ही पूरी करेगा। कौन सा ग्रंथ है? ये चैतन्य चैतन्यमृत ग्रंथ है। इसलिए गुरुदेव बोलते थे आप संस्कृत श्लोक आसानी से समझ सकते हो, लेकिन ये चैतन्य चैतन्यमृत जो बंगला तैयार है ना, इतने कठिन जो पढ़े उनको पता होगा, ये ग्रंथों को तभी कोई समझ सकता है अगर पहले आप सारे ग्रंथ को पढ़ो। ये जो ग्रंथ है जैसे वेदांत सूत्र है ना, कहते वेदांत सूत्र जैसे ही ये ग्रंथ वैसे ही है, ये सूत्र रूप में ये तभी ये ग्रंथ का आप समझ में आएगा, सारे ग्रंथ जब आप पढ़ लो तब तो पूरी ये ग्रंथों को अच्छे तरह से आप समझ सकते हो। और इतने कठिन ग्रंथ, लेकिन ये ग्रंथ को अभी बंगला में जितने भी दूसरे दूसरे संप्रदाय में वो ग्रंथों को ट्रांसलेशन किए दूसरे दूसरे लोग हैं, लेकिन अभी इन्हीं ग्रंथों को हमारे श्री गोकुलपति प्रभु जी गुरु जी की आशीर्वाद से और गुरुदेव का आदेश को पालन करते हुए श्री गोकुलपति प्रभु जी ने बहुत परिश्रम कर रहे, बहुत अथाह परिश्रम करके, फिर पैसा किससे नहीं ले करके अपना सारे पैसा को लगा लगा करके ये ग्रंथों को प्रभु सारी एनर्जियों को दे करके, इनके मन में तो बहुत कुछ इच्छा है। हम तो कहते 100 साल से भी प्रभु ज़्यादा जिंदगी जीता रहे, 100 सालों से भी, क्योंकि इनके मन में बहुत इच्छा। एक तो ये चैतन्य चैतन्यमृत ग्रंथ, इसको बाद में फिर चैतन्य भागवत, ये चैतन्य भागवत ग्रंथ और दूसरे गौड़ीय मठ से प्रकाशित हो, लेकिन सही सही नहीं, क्योंकि पहले बंगला अच्छे तरह से समझे फिर तो उसको फिर ट्रांसलेशन करे। पहले तो बंगला ही समझे वो क्या बताना चाहते हैं, केवल बंगला नहीं, सबसे जो मूल वस्तु है वो सिद्धांत है, ये तत्व दर्शन है। पहले ये सिद्धांत तत्व दर्शन को समझे फिर जाकर के उसको कोई ट्रांसलेशन, फिर सरल भाषा से, ऐसे नहीं कठिन भाषा से, सरल भाषा से फिर वो ग्रंथों को प्रकाशन करे। इसलिए प्रभु जी की मन में इच्छा है ये चैतन्य भागवत ग्रंथ को भी ये प्रकाशित करे। फिर इनके मन में और भी एक इच्छा है जो गौर पार्षद चरिता वाली, जितने भी दूसरे दूसरे गौड़ीय मठ से निकला है, लेकिन हमारे गुरु जी की हमारे मतलब गौड़ीय वेदांत समिति से ये ग्रंथ भी ट्रस्ट ये भी निकले, प्रभु जी की बहुत बहुत कुछ इच्छा। इसलिए हम तो गुरु जी से बोलेंगे जैसे गौर पार्षद इसलिए मतलब इसलिए आप लोग जोरदार से निकले ताली दो, जो इतने कठिन ग्रंथों को ये अनुवाद कर रहे हैं ठाकुर जी गुरु जी, और सामने गुरु जी बैठे हुए हैं और इनको पर आशीर्वाद कर। सचमुच से हमारी गुरुदेव ने जो ऐसे ऐसे मैं कहता हूँ, हमारे गुरुदेव एक टच स्टोन है, जैसे टच स्टोन में जैसे लोहे को स्पर्श करा दो वो सोने बन जाती है, गुरुदेव इसको शिष्य नहीं बनाया, गुरुदेव सबको गुरु बना कर गए, गुरुदेव सबको गुरु बना के गुरुदेव गए। इसलिए जब इस महापुरुषों से हम कथा सुनते हैं ना, हमको ये नहीं लगता यहाँ पर गुरुदेव है ही नहीं, मेरे को तो ये अनुभूति होता है, देखो इतने कम कम उम्र में इतने बच्चे इतने सुंदर सुंदर सिद्धांत को, तत्व दर्शन को बोलते, जिसको सुन करके मेरा हृदय भी फिर गदगद हो जाता है। वाह गुरुदेव ने क्या देकर गए, पृथ्वी में कहीं भी यहाँ पर जो हरि कथा हो रही ना, पृथ्वी में कहीं भी इतने सिद्धांत तत्व दर्शन ये सब कथा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। सब लोग उन्हें नहीं, हमारा अधिकार नहीं, हम अनधिकार है, ये सब चर्चा हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन गुरुदेव का जो भावना थी बोले नहीं, पहले
लक्ष्य को ठीक रखो, उसको बाद में साधन करोगे। भले ही 10 साल बाद में तुम इंजीनियर नहीं थे, डॉक्टर नहीं थे, सीए बनोगे, लेकिन उसको लक्ष्य रहता है ना, करते जाकर के साधन करता है। इसलिए गुरुदेव का जो भावना है, पहले लक्ष्य को स्थिर करो। अगर हमने इतनी सी बात अगर समझ गए, हमारा उद्देश्य किया है, भले ही करोड़ों जीवन में मिले उसमें कोई फर्क नहीं, लेकिन इसी जीवन में हमारी लक्ष्य हमारी पक्की हो जानी चाहिए। इसलिए आप लोग गुरुदेव की कथा सुने होंगे, भले ही गुरुदेव कहीं से भी कथा शुरू करते थे, कहीं से भी, लेकिन जब तक श्री ब्रज में लेकर के उसका स्थापन नहीं करते थे, तब तक गुरु जी का मन नहीं भरता था, दिल नहीं भरता था। लास्ट में लेकर के एकदम ब्रज भक्ति में जा करके वहीं पर समाप्त गुरुदेव करते थे। इसलिए जिन लोगों ने गुरुदेव का चरण आश्रय किया है, आप लोग बड़े भाग्यवान हैं जो गुरुदेव की चरण आश्रय किया। इसलिए ये ग्रंथ भी उन्होंने हिंदी भाषा में ट्रांसलेशन किया है। ग्रंथ कहाँ उपलब्ध है? ऊपर में ना, हाँ, वृंदावन मठ में भी है, यहाँ पर ऊपर में भी है। हाँ, जरूर आप लोग ग्रंथों को लेकर के जाना। प्रभु जो इतने परिश्रम किया है और इतने अनमोल ग्रंथ है, आप लोग जरूर कोशिश करना। देखो पैसा हमारे कितने तरह से कहाँ कहाँ पैसा चली जाती है। हाँ, अगर ग्रंथ एक अगर घर में रहे, आप भी पढ़े, बच्चे भी पढ़े और कोई पढ़े, फिर तो हम जा कर के बोल सकते हैं ना, हम श्री गौड़ीय धारा से आए, केवल तिलक कंठी पहनना। इसलिए भक्तिमय ठाकुर का जो भजन है, किरण बिंदु कणा यही तीन निये वैष्णव पढ़ा, ये बंगला भाषा में। इसलिए तीन ग्रंथ है, भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु उज्जवल निर्मल किरण कणा लघु भागवत अमृत। अरे ये तीन को ले करके जब तक तुम ये तीनों ग्रंथ को नहीं पढ़ोगे, फिर तीनों निये वैष्णव पढ़ा, वैष्णव पढ़ा मतलब तभी हम लोग अपने आप को वैष्णव कह सकते हैं जब ये ग्रंथों को पढ़ोगे। उसी तरह चैतन्य चरितामृत ग्रंथों को जब तक आप नहीं पढ़ोगे ना, तब तक हमारा लक्ष्य क्या है, हैं? इसलिए ये ग्रंथ होने से पहले चैतन्य भागवत ग्रंथ लिखी गई थी, लेकिन ये चैतन्य भागवत ग्रंथ में जो कथा है उसमें महाप्रभु की सुंदर सुंदर लीला उसमें, लेकिन इस सारे भक्त लोगों ने श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी से इन्होंने प्रार्थना किया, बोले आप चैतन्य भागवत ग्रंथ लिखी गई, लेकिन ऐसे एक ग्रंथ लिखो, क्योंकि जब तक कोई चीज सिद्धांत युक्त नहीं हो ना, जिसको चैतन्य चरितामृत में बताए, सिद्धांत बोलिया चित्ते।